हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सो स्टूडेंट्स, आपका मैथमेटिक्स चल रहा है एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों, कल के होमवर्क में आपको जो दिया था वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आपने वर्क कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, होमवर्क भेज दीजिए फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8। ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पढ़ते हैं ज़रा, बिना टाइम वेस्ट करे। छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर 360 रुपीज। तो बच्चों, इस पहली लाइन का क्या मतलब है? छाया बॉट मतलब खरीदी या खरीदा। अब यहाँ कॉपीज हैं तो खरीदी बोलेंगे, खरीद कॉपीज खरीदा थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। छाया बॉट, छाया ने खरीदी 20 कॉपीज, 20 कॉपी खरीदे बच्चों उसने, कितने फॉर 300, फॉर का मतलब है यहाँ 360 रुपीज़ में खरीदी, ठीक है। यानी दुकानदार को उसने 360 रुपी दिए और 20 कॉपी उसने खरीद ली। ओके, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉपी। तो एक कॉपी की कॉस्ट क्या होगी, यानी कि एक कॉपी कितने रुपए की आएगी, ये बताना है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, देखो डिवाइड कब करते हैं, जब हमें ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट या प्राइस दे रखी हो, ज़्यादा की कॉस्ट दे रखी हो और एक चीज़ की, एक आइटम की कॉस्ट पूछ रहा हो, ठीक है, समझिए भाई बात। तो देखो कैसे लिखेंगे इसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन आप नोट कर ही लोगे, क्वेश्चन में नोट नहीं करूंगा, ठीक है, वो आपको खुद करना है। हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख लेना यहाँ पे, यहाँ तो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों, जैसे इसमें लाइन में लिखा हुआ है, छाया बॉट 20 कॉपी फॉर 20 कॉपी कितने में खरीदनी है बच्चों उसने, 360 रुपीज में। ओके, तो हम लिखेंगे क्या पूछ रहा है, व्हाट, तो हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ, यहां से द प्राइस ऑफ ए सिंगल कॉपी। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉपी का निकालना है तो इस 20 कॉपी से डिवाइड कर देंगे 360 को। ओके, ठीक है ना, किसकी कॉस्ट पूछ रहा है, एक कॉपी की, तो कॉपी से डिवाइड करेंगे, टोटल कॉपी कितनी है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों डिवाइड करना आपको आता है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे बताना था बस क्वेश्चन का मतलब क्या है और उसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, राइट। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 1 dozen में कितना होता है, एक दर्जन बोलते हैं ना, एक दर्जन केले, एक दर्जन पेन, एक दर्जन कॉपी, ठीक है, डजन उसको कहते हैं इंग्लिश में, डजन, हिंदी में दर्जन बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश बोलते हैं डजन। तो इसमें होता है एक दर्जन में, यानी एक डजन में, 1 dozen में होता है 12 items। अगर आप 12 पेन खरीद के आते हो, खरीद के लाते हो, तो उनको बोलेंगे 1 dozen pen। ऐसे में अगर आपसे कहूँ 1 dozen banana, इसका मतलब कितना है, 12 केले, 12 bananas। ओके, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। धीरज हैज 864 bananas, ठीक है, धीरज जो है एक लड़का है, उसके पास कितने बनाना है बच्चों, 864 बनाना है।
अभी कह रहा है हाउ मैनी डजन बनानास डज ही हैव, तो उसके पास कितने दर्जन बनाना है, कितने डजन बनाना है। तो बच्चों आपको पता है वन डजन में कितना होता है, 12 आइटम्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ या कोई आइटम, कॉपी हो सकती है, पेन हो सकती है, बनाना हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, डायरीज हो सकती हैं, बैग हो सकते हैं, कार हो सकती हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आपको डजन निकालने हैं इसमें से। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आप नोट कर लोगे, सॉल्यूशन आप लिखोगे, ठीक है, फोर वाले का। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे ऊपर वाली लाइन को, धीरज हैज बनानास, कितने बनाना है उसके पास, 864। ओके, अब हम ये भी जानते हैं बच्चों कि वन डजन इक्वल टू कितना होता है, 12 बनाना। सो नंबर ऑफ डजन इक्वल्स, तो निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 864 को 12 से डिवाइड दे देंगे, तो करके आप करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। 702 पीपल कैन सेट इन 27 बसेस, तो बेटा टोटल 27 बसेस हैं, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 702 पीपल बैठ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, पीपल बोलते हैं पीपल। ओके, तो इसमें 27 बसों में कितने लोग बैठ सकते हैं, 702। तो एक बस के अंदर हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन वन बस, तो एक बस के अंदर कितने बैठ सकते हैं, एक बस में, तो बस में बस कितनी है, 27, तो 27 का डिवाइड दे देंगे किस में, 702 में। ओके, ये तो आपको पता ही है, लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज आप खुद लिखोगे, मैं इसकी लैंग्वेज नहीं बताऊँगा, मैंने दो की बता दी है, आप खुद लिखोगी, ठीक है, ट्राई करोगी तभी सीखोगे आप। चलो वैसे ही समझा दिया मैंने आपको, करना है क्वेश्चन खुद, लैंग्वेज भी लिखनी है, सॉल्व भी करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या लिख रहा है बच्चों इसमें, ओंकार हैज 400 रुपीज, बेटा एक व्यक्ति है, कोई इंसान है, उनका नाम है ओंकार, और उनके पास कितने रुपीज हैं, 400। इफ द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज 30 रुपीज पर मीटर, उनके पास पैसे रुपीज कितने, 400, और वो दुकान पे गए कपड़ा लेने, ठीक है, और जो कपड़ा वो जो खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज में एक मीटर आ रहा है, 30 रुपीज पर मीटर, पर का मतलब होता है एक मीटर का कॉस्ट, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा जो है कितने रुपए में आ रहा है, 30 रुपीज में आ रहा है। ओके, और टोटल रुपये कितने उनके पास, 400। Then how many meters of cloth can he buy and how much money will be left? तो वो कितने कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा जो है 400 रुपीज में खरीद सकते हैं, ठीक है, और उनके पास कितने रुपये बच जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे खुद, ठीक है, यहाँ देखते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। तो मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ क्योंकि नीचे देखेगा नहीं, फिर क्वेश्चन आप नोट करोगे, ठीक है, खुद ही क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ केवल। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है इसमें, ओंकार है 400 रुपीज, तो यहाँ लिख देंगे ओंकार रुपीस, कितने पैसे हैं ओंकार के पास, ओ सॉरी कितने रुपीस हैं ओंकार के पास, 400 रुपीस। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ
कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या है बच्चों? 30 रुपीज पर मीटर। ओके 30 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन ही बाय? तो ओंकार कैन बाय क्लॉथ इज इक्वल टू कितने कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है बच्चों? तो हमें क्या करना है, 30 से डिवाइड दे देंगे किसको, 400 को। दो जरा कितनी बार गया, वन बार गया अभी, तो कितना बचा, 10, 0 ताल लिया, 3 3 जा 9, यानी कि 90 आ जाएगा। कितना बचा, 10, तो 10 में तो जाएगा नहीं, तो ये तो हमारा रिमाइंडर रहा, ये हमारा रहा कोशेंट, ठीक है। तो बच्चों कितना क्लॉथ, तो क्लॉथ कितना आया, 13 मीटर। अच्छा, और रुपये कितने बच जाएंगे बेटा, 10 लेफ्ट रुपीज, क्योंकि रुपीज को डिवाइड किया है तो रुपीज ही तो बचेंगे नीचे, लेफ्ट रुपीज कितने रुपी, 10, तो जो रिमाइंडर बचता है वो रुपीज यहाँ आ जाएंगे, 10 रुपीज। ओके तो कर लोगे ऐसे, देख लो। देखो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको। देखिए क्वेश्चन आप लिख लोगे, ये कह रहा है हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम 648 फ्लावर्स। तो बच्चों गार्लैंड्स आप जानते हो ना क्या होते हैं, गार्लैंड्स जो मालाएं होती है ना, फूलों की माला बनती है उसको गार्लैंड कहते हैं। तो टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 648, ओके इतने फ्लावर्स हैं। इफ ईच गार्लैंड इज मेड ऑफ 24 फ्लावर्स, बच्चों इसका क्या मतलब है, इफ ईच गार्लैंड मतलब एक गार्लैंड में कितने फ्लावर्स काम में आ रहे हैं, कितने फ्लावर्स से मिलकर के एक गार्लैंड बन रही, एक माला में कितने फूल लग रहे हैं, 24, ठीक है। तो 648 फ्लावर्स में कितनी मालाएं बन जाएंगी, ओके तो ये पूछ रहा है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गार्लैंड इज मेड ऑफ 24 फ्लावर्स, ये जो लाइन लिखी हुई है ना इसको लिखेंगे, गार्लैंड इज मेड ऑफ 24 फ्लावर्स, कितनी, 1। तो बेटा 24 गार्लैंड जब यूज होते हैं तो कितनी मालाएं बनती हैं, 1। 24 फ्लावर्स में कितनी गार्लैंड बन रही है, 1। सो गार्लैंड्स विल बी मेड मेड ऑफ, ये फ्रॉम लिख रहा है 648 फ्लावर्स। तो 648 फ्लावर्स में कितनी गार्लैंड बन जाएंगी, तो कैसे करेंगे बच्चों, 648 को डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से, ओके कर लोगे, ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये था हमारा 7th वाला। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन आप खुद लिख लोगे, आंसर की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, क्वेश्चन आप नोट कर लोगे आंसर, ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में यानी एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं। तो बच्चों एक साल में, पूरी साल में कितने दिन होते हैं पता है आपको, 365, ठीक है, यानी कि
सॉरी यहाँ पे डेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ मंथ्स की दे रखें, 936 मंथ्स दे रखें। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने महीने में एक साल होती है बेटा। 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तब जा करके एक साल बनती है, नहीं बनती है ना। यानी 12 मंथ्स इज इक्वल टू, तो कैसे रखेंगी, बिकॉज 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। ओके, तो बेटा टोटल मंथ्स कितना दे रखे हैं, 936 मंथ्स इज इक्वल टू कितने होंगे बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 से 936 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 3.2 चल रही थी वो भी फिनिश होती है। अगला चैप्टर आ जाता है आपका 4। तो स्टूडेंट्स ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे आज के लिए, जो मैंने आपको वर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक, ये आपको आज करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हाँ, तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।